नमस्कार, दर्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। ये दौरा 2 दिवसीय को होगा। उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नेता हैं, वो अभी हमारे साथ हैं और ये अभिवादन करने को तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हमारे साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आरती सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं। कैसे स्वागत और अभिवादन करेंगी मोदी जी? लोकतंत्र के महापर्व के शुभ अवसर पर माननीय मोदी जी आज झारखंड पधार रहे हैं और उस अवसर पर आज रांची में वह रोड शो करने वाले हैं। और इस अवसर पर हम लोगों की जो जिम्मेवारी है कि उनका पुरजोर पूरा स्वागत किया जाए। और आज महिला मोर्चा पूरे जोरदार तरीके से उनकी स्वागत के लिए यहाँ खड़ी है और अभी कुछ ही पलों के बाद यहाँ बहुत सारी महिला कार्यकर्ता हमारे बीच आएंगी और हम सभी एक कतार लगकर यहाँ प्रदेश कार्यालय के समीप, हमें जिम्मेवारी मिली है और उस अवसर पर सारे लोग यहाँ एक कतार होकर खड़े होंगे और अपने अपने हाथों में फूलों की थाली लेकर दिया लेकर खड़े रहेंगे और उनके आने पर उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की जाएगी और उनका पुरजोर स्वागत किया जाएगा। पुरजोर स्वागत किया जाएगा और साथ में उत्साह कितना है महिलाओं में, जो महिला नेत्री हैं उनसे हम बात करते हैं, कितना उत्साह है आप? ये तो हम लोग को आज चुनावी माहौल में, लोकतंत्र का पर्व है जैसा कि सुना आपने, उसमें आ रहे हैं। लेकिन ये उत्साह जब भी मोदी जी हमारे झारखंड में आए हैं आपको देखने को मिला होगा। फूलों की वर्षा होती है, बहनों की कतारें होती हैं, उनको रोकना पड़ता है। बच्चों में उतना उत्साह होता है, यंग जनरेशन में उतना उत्साह होता है, महिलाओं को खासकर मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, आत्मविश्वास दिया है, आत्मनिर्भरता का जो हमें प्रदान किया है गौरव, उसके लिए सब महिलाएं हमेशा से उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हैं और हृदय से हम लोग इंतजार करते हैं हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और आप देखेंगे कि राम मंदिर के बाद ये पहली बार उनका झारखंड में दौरा है तो यह तरह से ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। और चुनावी दौर जरूर है लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जैसा कमल खिला है वैसा हमेशा अगला आप नतीजा में भी देखेंगे। और तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग अभी से उनको शुभकामनाएं बधाई देने के लिए हम सभी महिलाएं खड़ी हैं। इस बार 14 के 14 लोकसभा सीट पे जीतने का दावा कर रहे हैं, मोदी जी के आने से क्या कुछ लग रहा है, नजरिया बदलेगा? नजरिया तो ऐसे भी पब्लिक का बदला हुआ है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, 14 के 14 सीट आएगा इस बार। इस बार जो 400 पार का नारा है वो पूरा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भी संकल्प ली है कि घर घर जा कर के महिलाओं को, और जो आज मोदी जी आ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जो सनातन धर्म के लोग हैं, हम लोग का एक ही है कि जो राम कलाए हैं, 50 वर्ष के बाद श्री राम आए हैं अयोध्या और हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं झारखंड, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। चलिए, यानी भाजपा यानी बीजेपी के आज राम आ रहे हैं और राम का स्वागत किस तरह के करेंगी महिला नेत्री, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पूरे भगवा रंग में रंगी हुई है, बताइए। सभी को पहले नमस्कार। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं मोदी जी के आने से, और वैसे भी मैं पर्सनली मोदी जी को अपना गुरु मानती हूँ, उस नाते भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मोदी जी का सपोर्ट हम लोग मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं, मोदी जी का सपोर्ट हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, मोदी जी के साथ हम लोग अपने लिए खड़े हो रहे हैं। मोदी जी हम लोग को बोलते हैं कि आप सब मेरे परिवारजन हैं, पर ये हम लोग का मानना है, अब हम लोग को साबित करने का जरूरत है कि हम लोग उनके परिवारजन है, ये हम लोग को दिखाना है। पूरी बीजेपी और दफ्तर को सजा दिया गया है, हम आपसे बात करना चाहेंगे, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्या रांची हवाई अड्डे से लेकर राजभवन तक क्या कुछ और करना चाहेंगी आप लोग, युवा हैं आप? देखिए, आपको तो दिख ही रहा हो कि जिस तरह से हम लोग सजा सकते थे उस तरह से सजाया है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी सजावट को देखने के लिए और अगला को उसको बताने के, अगले को बताने के लिए लोगों का। तो जब मोदी जी आएंगे और जब खचाखच भीड़ रहेगी उस समय हम लोग सबसे खूबसूरत पल वो होगा और वो नज़ारा देखने लायक होगा, ये झारखंड के लिए हिस्टोरिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रधानमंत्री का स्वागत थाली और दिया, थाली में फूल
और दिया से उनका स्वागत और अभिवादन करने को तैयार हैं। तो अभी आने में प्रधानमंत्री जी को आने में अभी थोड़ी वक्त है, लेकिन वक्त का इंतजार का फल थोड़ा मीठा होता है। अब ये मोदी जी आएंगे, उसके बाद इनका जो स्वागत होगा वो कितना उत्साहित कार्यकर्ताओं को करता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्शवी, रांची।